Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अयोध्या दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोईद खान और भदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नगर पंचायत अध्यक्ष पर पीड़िता के स्वजन को समझौते के लिए धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में चल रही जांच इन दोनों के बैंक खातों तक जाएगी। रामनगरी के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को पीड़ित पक्ष की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। सीएम की इच्छा पर बीकापुर विधायक अमित सिंह के साथ नयाघाट स्थित सरयू अतिथि गृह पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए सीएम के प्रति आभार ज्ञापित किया है। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल से काफी देर वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल बाबा राम सेवक दास ने कहा कि आरोपियों की ओर से प्राथमिक विद्यालय की कुछ भूमि और नाले के हिस्से पर कब्जा किया गया है। भदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद और उनके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षों जिसमें उनके पिता और अन्य स्वजन शामिल हैं, उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि आरोपियों को विदेश से फंडिंग होती है, इनके बैंक खातों की जांच आवश्यक है। ऐसे ही कई बिंदु सीएम के साथ वार्ता में उठाए गए। प्रतिनिधि मंडल ने कई बिंदु पर सीएम का ध्यानाकर्षण करते हुए शिकायतों की एक फाइल भी सौंपी। ये फाइल सीएम ने वहां उपस्थित मुख्य सचिव को सौंपी है। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि किशोरी को न्याय मिलेगा और दोषी को कठोरतम दंड मिलेगा। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल से हुई भेंट को अपने एक्स पर भी पोस्ट किया है। पीड़ित किशोरी और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर है। आरोपित सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने विधानसभा में दोषियों को कठोर दंड देने की बात कही है। सीएम ने समाजवादी पार्टी की इस बात के लिए भी निंदा की थी कि उनकी ओर से आरोपियों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़िता की मां से मुलाकात करके कठोर से कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीएम के निर्देश पर न केवल पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को निलंबित किया गया, बल्कि मुख्य आरोपी की संपत्ति की भी जांच चल रही है। मोईद खान की तकरीबन आधा दर्जन अवैध संपत्तियों का पता लग चुका है, जिसमें उसकी बेकरी पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल चुका है। जल्द ही उसकी अन्य संपत्तियों पर बुलडोजर गरज सकता है। पीड़िता और उसके परिवार को धमकी देने के मामले में भदरसा नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।